सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र सराय खास में उप महानिदेशक सुनील खोरपे की देखरेख में परिवार कल्याण दिवस 2014 का आयोजन किया गया। सीआरपीएफ नई दिल्ली के महादिनेश दलीप त्रिवेदी ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर पंजाब राज्य के शहीद हुए कर्मियों के परिवारों को आमंत्रित किया गया। मुख्य अतिथि ने आए हुए परिवारों की समस्याओं को सुना व उन्हें सुलझाने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर आए हुए शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी किया गया। फैसिलिटी तो सब मिल रही है, जो जल्द से जल्द देना सब दे रहा है, पर माता पिता को तो कम ही मिलता है ना। बस उसकी जो औरत है या मतलब बच्चे हैं वो सब तो उनको मिलता है, माता पिता को बहुत कम। फिर माता पिता को भी मतलब बराबर मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत जरूर होना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट रूल है, और देखिए शादी के बाद तो हक बीवी का ज़्यादा बनता है, तो अब ये तो उन परिवार के अंदर के क्या लड़ाई झगड़े हैं इसका तो कोई ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं कर सकती। ये तो अगर परिवार ही के अंदर अगर प्यार में मोहब्बत से रहेंगे तो वो अपने पीर में ना जाके वहीं रहेंगे, वो तो घर तो उनका वही है। हाँ नहीं, उस सब जो जो पॉइंट्स बताए हैं इन्होंने वो सब पॉइंट्स को हम लोग देख रहे हैं। उसमें से कई चीज़ें ऐसी हैं कि काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट से बात भी हो रही है, और जैसे मैंने अपने स्पीच में भी कहा कई इश्यूज़ ऐसे हैं जो कि रिजॉल्व हो चुके हैं, जैसे वो एक्स्ट्रॉर्डनरी पेंशन वाला है या ये सीपीसी का है। अब ये गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है, सीपीसी हमारी अपनी फैसिलिटी है, इसको और कैसे बढ़ाएं हमारे ऊपर है, ये कोई गवर्नमेंट के पास जाने से कुछ है कि टेस्ट नहीं होता है, लेकिन ये है कि किस तरह का जॉब चाहिए ये बड़ा ज़रूरी है। अब अगर वो कहते हैं कि नहीं हमको सिर्फ क्लरिकल जॉब चाहिए, हम कहते हैं सिपाही बन जाओ, कहते हैं सिपाही नहीं बनना चाहते, हमको क्लरिकल जॉब चाहिए। अब क्लरिकल जॉब में तो टाइपिंग आना जरूरी है ना, तो उतना तो देखना पड़ेगा टाइपिंग आती ही नहीं आती, कंप्यूटर आता है कि नहीं आता।